को दिखाओ बेटा फुल स्क्रीन में एक बार देख लूं मैं भी क्या दिखा नहीं इसमें अलग क्या है वैसे सेम ही तो है ऑलमोस्ट मुझे यार इनका लाइट ग्रीन बेटर लगता है पता नहीं क्यों ऑलवेज जो वापस आना जरा टू विंडो में आना अभी की जर्सी है मुझे ये जर्सी बुरी नहीं लग रही लेकिन इसमें बंदा दिखता नहीं है मतलब मुझे जो लाइट जर्सी थी ना आप पता कौन सी वाली 92 वाली जर्सी और आप खुश भी होंगे उस टाइम आप वर्ल्ड कप जीते भी थे नहीं 2015 वाली भी सेम ही थी हाँ तो जब लाइटेस्ट कलर जो ये फ्लोरोसेंट वाला कलर टाइप का है ना जब ये पूरी जर्सी होती ना ये वाला यार लश्कारे मारती है वो जर्सी आदमी खेल के आता है थोड़ा सा ना वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाती है उसमें मजा आता है खैर ऑल द बेस्ट टू यू अच्छा 4 और 5 नंबर कॉम्बिनेशन बोल रहा है सोहेल भाई ने तो वो दिखाना जरा मुझे 4 और 5 नंबर कॉम्बिनेशन कौन सा था अच्छा खैर एक सेकंड रुक जाइए आप भी इनकी जर्सी पे क्या बोलना चाहते हैं भाई बता दीजिए ठीक है मतलब ठीक है बेटर है मतलब इतनी गंदी भैड़ी शक्ल बना के ठीक है बोला इतनी भैड़ी शक्ल बना के क्यों बोला डिजाइन का क्या हर बार एक नया डिजाइन आ जाएगा इट्स रियली गुड डिजाइन आप यहां पे मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में खड़े हैं जर्सी जैसी मर्जी अच्छी हो तो वही तो है ना मिस इंडिया के हम मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में खड़े वर्ल्ड कप कॉन्टेस्ट में खड़े हैं ये बोल रहे हैं कि जर्सी पहनने में मजा आएगा एज अ फैन किसी को जर्सी देखने में कैसी लग रही है ये नहीं पूछ रहे परफॉर्मेंस देखने में तो बढ़िया नहीं देखने में तो मुझे भी बढ़िया लग रही है और ये जो इन्होंने नए डिजाइन निकाले ये मुझे काफी ज्यादा नया टेक्सचर जो दिख रहा है वो टेक्सचर नहीं है ध्यान से देखो जो उनके पीसीबी के लोगों का सितारा है ना वो सितारा उन्होंने बैकग्राउंड पे दे दिया और उसको पहले ग्रीन के डार्क शेड में झंडा ऊपर डाल दिया झंडा ऊपर डाल दिया तारा नीचे आ गया पाकिस्तान ठीक है बेसिक है और जो ये वाला कट है वी में वो भी ठीक लग रहा है बट यार मुझे तो वो लाइट ग्रीन वाली जैसे ये वाला है ना फ्लोरोसेंट टाइप ये तो येलोइश ज्यादा हो गया ग्रीनिश में मुझे तो वही पसंद आता 2012 में जो एशिया कप में इनकी जर्सी थी ना थोड़ी बहुत उसी तरीके से हां मुझे तो कसम से भाई वही पसंद आती थी फ्लोरोसेंट वाली लाइटिश ग्रीनिश विकी का भी आया कोई सुपर चैट दिखा दीजिएगा इमरान खान के जमाने वाली इमरान खान के जमाने भाई तभी तो जीते थे अच्छा एक मैं इसमें आपको एक एस्ट्रोलॉजिकली बताऊंगा क्या होता है अरे आपने कल बताया कल आएंगे एस्ट्रोलॉजर भाई आपने भारी डिमांड करी थी कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बोल दिया वो बोल दिया तो कल एस्ट्रोलॉजर को बुलाएंगे और उनसे ही पूछवाएंगे कि कौन जीतने वाला है इंडिया पाकिस्तान उनके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में ये बोला जाता है कि जो जुपिटर ग्रह है गुरु का कलर होता है येलो तो वो सबसे ज्यादा ब्लेसिंग देता है ऑस्ट्रेलिया की जर्सी क्या है हर दूसरे साल जीतते हैं वही जीते हैं एस्ट्रोलॉजी में क्या है काला किसका कलर है न्यूजीलैंड शनि देव का ग्रह शनि देव का कलर है हर बार आते आते हार जाते हैं कभी भी देख लो इतनी अच्छी टीम होगी कभी नहीं जीते हार जाती है वो वहां पहुंच गए फाइनल में बेन स्टोक्स का बैट लग गया सुपर ओवर में इक्वल हो गया फिर भी हार गए ऐसे में नीला किसका कलर नीला ऑल्सो वेरी वेरी गुड नीला ऑस्पिशियस इवन ग्रीन का जब फ्लोरोसेंट टाइप का आता है ना जब येलोइश आता है उसमें से जो 92 में था तो ब्लेसिंग देता है एस्ट्रोलॉजी का नीला तो श्रीलंका का भी है तो भाई जीते हुए हैं वो श्रीलंका इतना सा नेशन मसले हजार 96 वर्ल्ड कप में टीम्स पता है पाकिस्तान की टीम देख लो जाके इंडिया की टीम देख लो जाके वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सबकी देख लो आप जाके उसमें से श्रीलंका जीत गई सोचो आप कितनी बड़ी बात है जी विकी जेम्स बोल रहे हैं ब्यूटीफुल पाकिस्तान जर्सी कैन 50 ओवर मैच बिकम 20 ओवर्स इफ इट रेन्स भाई हाथ जड़वा मैक्सिमम इतना ही हो सकता है यार मेरे को T20 नहीं देखना भाई मेरे को T20 नहीं देखना मेरे को तुक्का वाला क्रिकेट नहीं देखना कि आज जी आपके आड़े टेढ़े खब्बे लग गए तो आप मैच जीत गए क्वालिटी क्रिकेट के वो 4 ओवर 3 ओवर नवाज ने मार दिया तो आप जीत गए वो नहीं मुझे देखना प्रॉपर 50 ओवर की क्रिकेट ऊपर भी जाए नीचे भी आए थोड़ा तुम भी एडवांटेज लो हम भी वापस खींचे गेम को वो आता है मजा यार वो एपिक एनकाउंटर्स जो है ना ओडीआई क्रिकेट में वो चाहिए मुझे तो विकी जेम्स भाई 20 ओवर मत करवा यार 50 ओवर करवा पाकिस्तान की जर्सी चलो जी आप लोग बड़े बोल रहे थे कि पाकिस्तान की जो न्यू जर्सी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है तो एक बार दिखा दो जी जर्सी पहले भी बात करी थी इस बार भी दिखा दो जर्सी और मैं देख रहा हूँ कि 2000 के आसपास लोग हमारे साथ है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्पोर्ट चैरी को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा बेटा एक बार फुल स्क्रीन पे दिखाना जरा पाकिस्तान की नई जर्सी आई है आज लॉन्च भी हुई है और सुपर चैट भी दिखा दीजिएगा अब आप ये देख लीजिए जरा अच्छा इसको और जूम करेगा ना लक्षित ने दिखाया मुझे कि जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ है बिकॉज इंडिया में ही होना है ना तो कमाल की बात है कि जर्सी पे इंडिया छप गया है वेरी गुड ये देखिए इससे ज्यादा दोस्ती की बात क्या होगी थोड़ा जूम आउट करिएगा
मैं पहले भी बोल रहा था, देखो मेरे को पर्सनली ये इतनी डार्क वाली जर्सी पसंद नहीं है मेरे को। लाइट ग्रीन जो कलर है ना पाकिस्तान का, जो 92 वाला कलर था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। जो लाइट ग्रीन वाले लश्कारे जो मार रही होती है जर्सी, जैसे ये भी ग्रीनिश येलोइश बोल सकते हो फ्लोरोसेंट, बट इससे थोड़ा सा ज्यादा ग्रीन, वो वाली जर्सी मुझे ज्यादा पसंद आती है। ये ना थोड़ी ब्लैकिश उसमें चली जाती मुझे है। सर पाकिस्तान की नहीं, मैं इंडिया की भी बात करूंगा, जो 2007 में थी ना, हाँ। इंडिया का स्काई ब्लू वाला कलर, पाकिस्तान का भी वही अच्छा थोड़ा सा पैरट ग्रीन जिसे आप कहते हैं, थोड़ा सा वो वाला कलर, वो आपको बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। वो मतलब एक इमोशन था, क्योंकि उसी उम्र से हमने क्रिकेट देखना शुरू किया था, तो मेरे माइंड में पहली सेंस ही वही है इंडिया की स्काई ब्लू वाली जर्सी। हालांकि ये जर्सी भी उतनी खराब नहीं है, और खासकर वो जो नीचे का जो डिजाइन है ना, वो मेरे को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो चीज जो इन्होंने बदला है वो थोड़ा सा बेटर लग रहा है। नहीं, मेरे को तो यार ओवरऑल अच्छी लग रही है। मैंने वो डिजाइन के बारे में भी आपको बताया, अभी लेते हैं सुपर चैट जर्सी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ठीक है, और पाकिस्तान का तो हमेशा से कलर वो ही रहा है। अगर आप अगर ये हमने पॉइंट नोट आउट किया है ना कि भाई पाकिस्तान की जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ है, तो इंडिया की जर्सी पे भी पाकिस्तान लिखा होगा, तो जब आपकी एशिया कप की जर्सी आएगी, बिकॉज दैट इज इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका, तो वो दोनों आपके लिए वहां पर मेंशन होंगे, तब इंडिया की जर्सी के वो देख लेंगे जरूर। सही बात है, लेकिन मैं इस जर्सी को दूंगा 10 में से 7 नंबर। आप कितने देंगे? 10 में से 8 बिकॉज ऑफ आपको वही डिजाइन इतना पसंद आ गया, उसका टेक्सचर अच्छा लग रहा है वहाँ पे। अच्छा जी, कोबरा पे वो अच्छा है। मैं दूंगा 6.8। मैं आपकी ठुड्डी पे गोड्डा मार दूंगा अगर आपने फालतू की बातें करी। एक सही से दीजिए, 7 दीजिए ना, फिर 6.8 क्या होगा? 7 लक्षित ने दिया 8 नंबर। हाँ तो ठीक है, अट्रैक्टिव तो है, ग्रीन ठीक भी लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा डार्क। अब अच्छा एक चीज देखो ना, लेकिन जर्सी सही है, देखें तो हल्का ग्रीन है, क्या है? ये है क्या? डार्क, ये बेसिकली जो सितारा है वही बनाया हुआ ना, जो इनका टेक्सचर जो आप बात कर रहे हैं वो स्टार है, ऊपर से देख लीजिए जो स्टार इनका पाकिस्तान क्रिकेट का भी टॉप राइट में जो स्टार है वही बना हुआ है ना, वही बना, तो इन्होंने वही स्टार बना दिया। ऊपर थोड़ा लाइटिश है, नीचे थोड़ा सा फ्लोरोसेंट ग्रीन जिस टाइप की मैं जर्सी मांग रहा था वही है, और ऊपर ऑब्वियसली सितारा आ गया इनका जो क्रिकेट बोर्ड का सिंबल है, और उसके ऊपर इनका झंडा आ गया जो नेशन का झंडा है। क्या लेके जाना यार, जैसी जो मर्जी डाल लो, भला व्हाइट डाल के खेलो, भला ये रंग डाल के खेल लो, परफॉर्मेंस मैटर करती है, किस जर्सी में कैसी परफॉर्मेंस आ रही, फिर वही जर्सी अमर हो जाएगी। हम 2011 की जर्सी आज अमर है ना हमारे माइंड में, उसके बाद इंडिया की 25 जर्सी आगे चली गई, किसके ऊपर क्या था, पर याद 7 और 11 वाली और 83 वाली है, चलो आपका व्हाइट हम पर हम पर ये हरा रंग डाला, मेरे को ओवरऑल मार डाला बस मेरे को ओवरऑल ठीक ठीक लगी, एवरेज, इतनी ज्यादा बेहतर नहीं, बट इनको बहुत अच्छी लगी। तो चलिए आपकी जर्सी के बारे में बात कर लिए।